नमस्कार दोस्तों, हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ सिरका। हाँ तो फ्रेंड, हमने ये सिरका लिया है, ये गन्ने का जूस का है, यही मैं बनाऊंगी। दो डब्बे में ये रखा हुआ है। ये आम मैं इसे काट ले रही हूँ। ये सूखा मिर्च, पचफोरन, जीरा, लहसुन, आप चाहें तो इसका छिलका निकाल कर भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे डालूंगी। हमने आपको जला लिया है, अब मैं इस पे कढ़ाई रख रही हूँ। हमने लेवा लगा लिया है ताकि ये बढ़िया से माजने में छूटे आसानी से। हाँ तो दोस्तों, हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, मैं छन्नी से हमने सब कचड़े को छान लिया है। अब हमें इसे पकाना है बढ़िया से। हाँ तो फ्रेंड, ये जो है मही है, ये बढ़िया से जब उबाल आ जाएगा इसे सब निकालना है। जब तक हमारा ये रस पकेगा तब तक मैं आम को काट ले रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड, ये मैं निकाल ले रही हूँ, इसे हम कटनी बोलते हैं। मैं इसे काट ले रही हूँ, बहुत बचा के काटना है, ये जालीदार आम हो गया ना। इसी प्रकार मैं सब काट ले रही हूँ। ये मैं बीज को निकाल दे रही हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। इसी प्रकार मैं सब काट ले रही हूँ। इसी प्रकार मैं काट के बीज सब निकाल दे रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड, हमने बढ़िया से काट लिया है, हम कटनी के सहारे से अपने जरूरत के हिसाब से हमने काट लिया है, इतना सारा केरी हमने बचाया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा देखिए गन्ने का जूस कितना बढ़िया से पक गया है, सिरका पक रहा है। ये जो मही है मैं निकाल दे रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है, सिरका जरूर बनाएं, जरूर खाएं। हाँ तो फ्रेंड, हमारा ये पक चुका है, मैं इसे तसले में निकाल ले रही हूँ, ऐसे पलट ले रही हूँ, बहुत ही बढ़िया पका है। इसी प्रकार मैं बाकी का जो है वो भी खौला ले रही हूँ। खौलने से सब कचरा अच्छे से निकल जाता है। इसी प्रकार मैं ये भी मही निकाल ले रही हूँ, ये खौल रहा है, बहुत बढ़िया से पक रहा है। मैं अच्छे से निकाल ले रही हूँ, बहुत बढ़िया उबाल आ गया है इसमें। तो अभी थोड़ा और पकाना है।
हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना बढ़िया उबाल आ रहा है, बहुत अच्छे से ये पक रहा है। हाँ तो फ्रेंड हमने कढ़ाई भर के इसमें जूस डाला था यानी कि सिरका, और इसका तरीका है ये जो है यहाँ तक था जल के इतना हो गया है और बहुत ही बढ़िया पक गया है। अब मैं इसे उतार ले रही हूँ, मैं उतार ली हूँ चूल्हे से, मैं इसी भगोने में पलट ले रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड हमने वो दूसरी कढ़ाई रख रही हूँ वो मैं उतार दी हूँ, नहीं तो जल जाएगी वो। हाँ तो फ्रेंड हमने राई का तेल लिया है, मैं इसी में जो मैं आम को काट के रखी हूँ राई का ले रही हूँ, इसे पका के फिर इसमें डालना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा चला दे रही हूँ इसे। और ज्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इसे भूनना है। तो इसे लगातार चलाना है दोस्तों, नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएगा, जल जाएगा, ऐसे बराबर चलाना है। धीमी आंच पे इसे पकाना है, ज्यादा तेजी नहीं। हाँ तो फ्रेंड हमारा ये पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसे थाली में निकाल ले रही हूँ। बहुत अच्छा कलर आ चुका है और डालने के बाद ये आसानी से गल जाएगा सिरका में। हाँ तो फ्रेंड हमने राई का तेल डाला है, अब मैं मिर्चा सूखा ये भी सेक ले रही हूँ। सेकने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो फ्रेंड हमारा ये सेक चुका है, हमने सेक लिया है अच्छे से, बहुत क्रिस्पी हो गया है और इससे टेस्टी भी अच्छा लगेगा, तीखा भी लगेगा थोड़ा खाने में। मैं इसमें थोड़ा राई का तेल और डाल के लहसुन को भी छौंक ले रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड हमारा लहसुन भी हमने बढ़िया से पका लिया है, इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा सेकना है। तो ये पक चुका है, मैं निकाल ले रही हूँ थाली में। मैं पचफोरन भी सेक ले रही हूँ, ये जीरा मैं सब साथ में सेक ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सूखी धनिया डाल सकते हैं, पिसेली नहीं खड़ी मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये हमारा चिटकने लगा है, इसकी आवाज आ रही है, तो एक पक चुका है, मैं इसे उतार ले रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड अब मैं सब सामग्री इसमें डाल रही हूँ, मैंने जो पचफोरन को सेक के रखा है मैं इसमें डाल रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड इसमें जो लगा हुआ पचफोरन है इसमें थोड़ा सा लहसुन मिर्चा सूखा ये लाल मिर्ची मैं इसमें सब साथ ही डाल ले रही हूँ। तो दोस्तों हमने ज्यादा सामग्री इसमें नहीं डाला है, बहुत थोड़ा ही डाला है। आप चाहें तो कटहल भी डाल सकते हैं, बड़हर भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।